हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम आए हैं किया के स्टॉल पे। तो यहाँ पे दो गाड़ी शोकेस करी गई है। पहले ये है कार्निवल, जो कि 7 सीटर, 8 सीटर है, 9 सीटर है। सो इट इज़ द अराइवल ऑफ टोयोटा इनोवा। एंड सेकंड कार जो हमारी उधर है वो वेन्यू पे बेस्ड है, किया सोनेट। बड़े तू चल भले ही कल न मिले कोई फल। यहाँ पे कुछ कॉन्टेस्ट चल रहा है, क्विज वगैरह। सो ही इज द वॉइस नहीं आ रही होगी, यहाँ पे है किया सोनेट। एक्सक्यूज मी। तो ये बेस्ड है ह्यूंडई वेन्यू पे। एज यू कैन सी टायर साइज तो ज़्यादा है, मेरे ख्याल से प्रोडक्शन में नहीं आएगा इतना बड़ा टायर साइज। फ्रंट में देख सकते हैं जैसे किया की ग्रिल होती है, टाइगर नोज ग्रिल, सेम वैसे ही है। प्रोजेक्टर सेटअप है, DRLs है, एज यू कैन सी देयर। बहुत ही प्यारी, उसमें रेड कलर का कुछ ट्रिम दिया गया है। सोनेट कॉन्सेप्ट है ये। अब देखते हैं प्रोडक्शन मॉडल में क्या आता है। बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। अब देखते हैं यहाँ की सबसे बेहतरीन चीज़। खड़ा क्यों करे तू, बड़े तू चल रहे अटल, वादे जो खुद ही से करे तू। बड़े तू चल भले ही कल न मिले कोई फल, लेकिन मैं कहूँगा बड़े तू चल, साथ में खड़े असल, रुका है क्यों फिर बड़े तू चल। तो ये है किया सेल्टोस एक्स लाइन। आई डोंट नो आवाज़ आ रही है कि नहीं, बहुत नॉइज़ है इधर। एज यू कैन सी ये कॉन्सेप्ट कार है। आगे वही टाइगर नोज पर यहाँ पे ब्रॉन्ज कलर का कुछ किया गया है नीचे फॉग लैम्प की जगह, और जो इसके लॉय हैं बिल्कुल मैट ब्लैक में कर दिए गए हैं, और लोगों के साथ कुछ कॉपर सा कलर वगैरह किया है। इसका जो कलर है बेहतरीन लग रहा है, टिंटेड रेड्स। और पीछे से तो बहुत एग्रेसिव बनाई है किया सेल्टोस एक्स लाइन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे भी कुछ ब्रॉन्ज सा ट्रिम दिया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार है। एंड इसके मैं आपको पावर बता दूं, 175 bhp की पावर है इसमें, बहुत ही पावरफुल गाड़ी है। अगर किया चाहे तो इसे लॉन्च कर सकती है, बट अभी ये कॉन्सेप्ट ही है, बाकी देखो लॉन्च होती है कि नहीं। काफ़ी बढ़िया लग रही है, एग्रेसिव लग रही है। यह है किया कार्निवल, ये 7 सीटर, 8 सीटर एंड 9 सीटर में अवेलेबल है। तो देख सकते हैं आगे टाइगर नोज ग्रिल है जैसे किया की गाड़ी में होता है, सिंगल टोन बम्पर है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्टर सेटअप है, बट ये हेलोजन लैम्प है, इंडिकेटर्स, और ये है DRLs। और ये वाला पार्ट देखिए, जैसे आपने किया सेल्टोस में देखा होगा वैसी फॉग लैम्प है। साइड से इसकी लेंथ देखते हैं, ये मोर देन 5.1 मीटर से है इसकी लेंथ। अलॉय व्हील देख सकते हैं 19 इंचेस के हैं, 10 इंचेस अलॉय व्हील, डायमंड कट, डुअल टोन। इसमें पैनारोमिक सनरूफ भी है। ये जो है 9 सीटर है। इसकी बैक देखते हैं, अच्छा इसकी प्राइसिंग की बात कर लें तो ये इसका टॉप मॉडल 40 प्लस जाता है, 40 लाख प्लस। ये LED लाइट्स, देखते हैं कार्निवल और किया की बैजिंग। तो इसका इंटीरियर देखते हैं, इंटीरियर देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर है इसका। 8 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन, बीच में कप होल्डर है, दो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, और ये लेदर सीट्स हैं, काफ़ी बढ़िया लग रही है, स्पेस तो काफ़ी लग रही है मुझे। और जो ये डोर्स हैं इलेक्ट्रॉनिकली ओपन होते हैं, यहाँ पे पायलट सीटिंग। और आप पीछे की सीट देख सकते हैं, बहुत ही अनकंफर्टेबल है अगर कोई बैठे, क्योंकि लास्ट में जो 9 सीटर है बहुत ही अनकंफर्टेबल है। पीछे तो चाबी लगी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे भी LCD स्क्रीन दे रखी है, कंफर्ट का पूरा ख्याल रखा गया है, बहुत स्पेस है, लेग रूम भी काफ़ी है। एंड पीछे देख सकते हैं, बस जो पीछे वाली सीट है मुझे नहीं लगता कंफर्टेबल है। यहाँ पे बीच में कप होल्डर वगैरह रखा हुआ है, शायद पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बट देख सकते हैं पैनारोमिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना, 2 सनरूफ हैं यहाँ, और ये रूफ रेल्स जो वर्किंग नहीं है। ये हमारे गौरव जी अलग ही मस्ती में। तो बेसिकली यही है, इसमें 2.2 लीटर डीजल इंजन है जो पावर प्रोड्यूस करता है 280 PS ऑफ पावर एंड 440 Nm टॉर्क। तो पावर तो बहुत ही ज़्यादा है, कमी नहीं है पावर में।
लुक्स में भी काफ़ी है, बस मुझे ये लग रहा है कि इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है। 40 लैक्स पीवी पे कोई 40 लैक्स नहीं खर्च करेगा। आप आपकी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं यहाँ पे, ये 9 सीटर है, 5.1 मीटर लेंथ मतलब ज़्यादा ही है उससे, 2.2 लीटर डीजल VS6 मॉडल है, 200 PS ऑफ पावर है एंड 440 Nm ऑफ टॉर्क, फ्रंट व्हील ड्राइव है, 8 स्पीड ऑटो, 190 KMPH की स्पीड है मैक्सिमम स्पीड, 18 इंचेस अलॉय व्हील है और बूट स्पेस है 540। तो अब मैं वॉक अराउंड वीडियो करूंगा स्कोडा का, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले एक जो गाड़ी हम कवर करेंगे, चवेटेड कार है ये, स्कोडा ऑक्टाविया VRS। सो इसमें 2.0 TSI इंजन है, 245 PS एंड 7 स्पीड DSG है। साइड से हम देखते हैं इसके अलॉय व्हील्स, देखें काफ़ी प्रीमियम अल्टीमेट लग रहे हैं इसके अलॉय व्हील्स, डुअल टोन। पीछे से देखें तो ये स्पॉइलर है ब्लैक कलर का, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, ये VRS की बैजिंग, ऑक्टाविया स्कोडा की बैजिंग। यहाँ पे एग्जॉस्ट फेक नहीं है, फेकरी बिल्कुल नहीं है, डुअल एग्जॉस्ट है, लाइट सेम ही है पहले जैसी, और जो अलॉयज है वो मेन चेंज अलॉयज में है। अब देखते हैं इसका इंटीरियर। ए बड़े तू चल, है जो लगन तो डरा क्यों करे तू, बड़े तू चल रहे अटल, वादे जो खुद ही से करे तू, बड़े मैं चलूं ना बचा विकल्प, होना ना चाहूं विफल। यहां पे आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं, 60-40 में स्प्लिट हो जाएगा, या एज यू कैन सी स्पेस काफी है। पीछे डुअल एसी वेंट्स है, चार्जिंग पोर्ट भी है, थोड़ी स्पेस है नीचे, और आगे का देख सकते हैं सेम स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, ब्लैक इंटीरियर है बिल्कुल, जैसे नॉर्मल स्कोडा में वाइट कलर होता है इसमें ब्लैक है विद रेड स्ट्राइपिंग्स, काफ़ी बढ़िया लग रही है। और ये ब्लू कलर है जो वो भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। एंड जो दूसरी कार है हमारी वो है स्कोडा रैपिड, फेसलिफ्ट है, नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करना, बहुत नॉइज़ है इधर, ये भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। इसमें 1 लीटर TSI इंजन है, एंड यहाँ पे भी स्कोडा रैपिड सेम इंजन ऑप्शन वाली, इसमें मैट कलर है, मैट ब्लैक कलर है एंड ये ब्लैक अलॉय व्हील्स जो काफी बढ़िया लग रहे हैं। चलूं संभल ये राहें कठिन है, भले पथिक पग रखूं संभल के बिल्कुल सटीक, करूं वो लगे जो ठीक है। यहाँ पे साइड से हम देख सकते हैं बिल्कुल स्पोर्टी लुक है, रेड स्ट्राइपिंग एंड ये ORVMs पे रेड कलर बहुत बढ़िया लग रहा है, ग्लॉसी फिनिश के साथ है। बाकी ये जो ब्लैक कलर है, ब्लैक येलो है, ग्रे कलर है, ये मैट कलर में। एंड इधर हमारी न्यू कार रॉक, स्कोडा रॉक, सो इसमें 1.5 TSI इंजन है जो पावर प्रोड्यूस करता है 150 PS पावर, एंड इसमें 7 DSG गियरबॉक्स है, काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। जो नॉर्मल स्कोडा का डिज़ाइन होता है बिल्कुल वैसे ही है इसका डिज़ाइन, बहुत ही बढ़िया लग रही है और ये कलर मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये अलॉय व्हील्स देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। यहाँ पे है स्कोडा की विजन IN, सो इसके जो फ्रंट ग्रिल है उसमें सब लाइटिंग दे रखी है, प्रोजेक्टर सेटअप है, एंड जो इसका लोगो है उस पर भी लाइटिंग है। सो मुझे तो नहीं लगता इसके प्रोडक्शन मॉडल में ऐसा कुछ आने वाला है। नीचे स्पोर्टी बम्पर है, इसे वजह से दिखा रखा है, अवार्ड मिला है बेस्ट कॉन्सेप्ट कार का। यहाँ पे साइड में भी लाइट्स दे रखी हैं ORVMs पे एंड स्कोडा का लोगो उसमें भी लाइट्स हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है डिज़ाइन इसका, साइड से देख सकते हैं आप। जुड़ा जमीन से मेरी ये ख्वाब विशाल है, भीम से दवा संगीत ये ले लेकर कोई तो पड़े ना पलड़ा हकीम से जुना मैं चैन की। पीछे से देखते हैं इसका डिज़ाइन, पीछे से आप देख सकते हैं ये कुछ वेवी इफेक्ट हो रहा है लाइट्स में, बहुत ही प्रीमियम लग रहा है, बहुत ही प्रीमियम, काफ़ी बेहतरीन बनाया है। वहाँ पे हम देख सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम। एंड अब दूसरी कार देखते हैं, ये है स्कोडा सुपर्ब, मॉडल मुझे अभी पता नहीं कौन सा है, मैं मिलेगा तो लिख के डाल दूँगा। गोल्ड कलर है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इसका इंटीरियर देख सकते हैं आप, बिल्कुल रेट्रो लुक है, एक्चुअली रेट्रो ही गाड़ी है तो रेट्रो लुक तो हो गई। इसके मैसिव व्हील्स सामने से देखिए, सामने से कितनी बढ़िया लग रही है।
सुपर OHV कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ज़रा। तो ये 1948 मॉडल है एंड इसमें 3.2 लीटर इंजन है। सही लग रही है डिज़ाइन में, तो बहुत लंबी है, इतनी लंबी गाड़ी फ्रेम में भी नहीं आ रही। एंड जो अगली गाड़ी है वो है हमारी सुपर्ब, जो अभी न्यू वाली सुपर्ब है, हॉलैंड के मॉडल है ये, काफ़ी बेहतरीन लग रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग, भाई सब सफाई कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन लग रही है। और यहाँ पे एक और सुपर्ब खड़ी है रेड कलर में, बहुत ही स्पोर्टी लग रही है, डुअल टोन कलर है, सेम क्रिस्टल लाइटिंग है। यहाँ पे ब्लैक ग्रिल इसकी, बहुत ही बढ़िया लग रही है, बहुत ही बढ़िया बाकी सब सेम ही है। ORVM ब्लैक कलर है, और डुअल टोन है एंड डार्क एंड अलॉय व्हील्स हैं इसके। बूट स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी स्पेस है एंड ये सीट 60-40 स्प्लिट हो जाती है। और जो नॉर्मल स्कोडा की गाड़ी में होता है, जब हम टेल गेट उठाते हैं तो साथ में विंड स्क्रीन भी उठ जाती है। तो जैसे हम देख सकते हैं स्पोर्ट लाइन गाड़ी है, स्पोर्ट लाइन है रेड कलर स्कोडा के। इसमें क्या कहते हैं, स्टॉल में काफ़ी सारी बढ़िया गाड़ियां हैं। इस बार स्कोडा एंड वॉक्सवैगन ने काफ़ी पैसा खर्च किया है, इंडिया पे अब फोकस कर रहे हैं। जैसे हमें पता चला है कुछ दिन पहले कि स्कोडा कुछ बहुत बड़ी अमाउंट इंडिया में लगाने भी वाला है फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन इन इंडिया। तो होप सो काफ़ी बढ़िया चलेगी इंडिया में ये गाड़ी आगे। अभी तो लोग लेते नहीं है क्योंकि मेंटेनेंस सर्विस इसकी भारी है। देखो अब शायद प्राइस वगैरह में भी चेंजेस आए, मेंटेनेंस लो मेंटेनेंस हो इसकी, बढ़िया है यार। बाकी तो अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं, ज़्यादा लंबे नहीं करते। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।